इंदौर में महिला कांग्रेस ने कमिश्नर ऑफिस घेरा, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस नेत्रियों ने अपना विरोध जताया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा के सहित 9 मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। बुधवार सुबह इंदौर शहर महिला कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस नेत्रियां कमिश्नर ऑफिस पहुंची। इंदौर कांग्रेस के कई नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर महिला कांग्रेस नेत्रियों में रोष नजर आया। बेटियों के लिए असुरक्षित मध्य प्रदेश, बिना संस्कृति और संस्कार मानव जीवन में हो जाता है अंधकार, जैसे पोस्टर महिलाओं के हाथों में दिखे। साथ ही फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की निर्मम हत्या को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया। रहे हो आप, सारी जगह महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हर कोई रोज ना रोज कोई केस आ रहा है, एक प्रिंसिपल का भी हुआ, उसके अगेंस्ट में भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, तो ये सरकार की नाकामी भी दिखाती है। महिला कांग्रेस की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि हम महिलाओं के लिए हमेशा खड़े हैं, जैसे महिला कांग्रेस है, और अगर हम आते हैं तो हम महिलाओं की प्रॉपर सेफ्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, जिससे वो सिक्योर फील कर सकें। बिल्कुल सही बात है, ये महिलाओं को खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रियलिटी में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, रोज के केस सुनने में आते हैं, कुछ छुपा दिए जाते हैं और कुछ सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कई जगह तो रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है, इसलिए औरत कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं है। ये दर्शाया कि अब कांग्रेस सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि NCERB के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश अपराधों में, महिलाओं के प्रति अपराधों में, नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराधों में, दलित, आदिवासी, इन तमाम समाज के, खास करके एक जेंडर विशेष, एक वर्ग विशेष के प्रति मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो महिला कांग्रेस ने आज इस बात को तय किया कि हम शासन को अपना रोष व्यक्त करें। जनता, लोकतंत्र की पहली आवश्यकता होती है कि जनाक्रोश को व्यक्त करने का एक माध्यम बनाते हैं, वो होता है आंदोलन। उसी क्रम में ये काम किया गया है। और यहाँ ये नाइट कल्चर का जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ सनातन संस्कृति के ठेकेदार बनने वाले लोग अगर किसी प्रदेश में और किसी नगर में नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो इनकी कतनी और करनी का अंतर स्पष्ट होता है। इंदौर शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए ज्ञापन में 9 मांगे रखी गई, जिसमें सबसे प्रमुख मांग यह भी थी कि इंदौर में नाइट कल्चर बंद हो, क्योंकि नाइट क्लब और पब की आड़ में रात में होने वाले हुड़दंग और अश्लीलता से शहर की बदनामी होती है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रफीक खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।